हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एचपीएलसी पर, जिसमें हमारा टॉपिक है कि आपका जो नॉर्मल रिवर्स फेज जो आप चला रहे हैं, रिवर्स फेज का मीन्स क्या होता है कि आप पोलर सॉल्वेंट लेंगे और आपका जो स्टेशनरी फेज होगा वो नॉन पोलर होगा, लाइक C8 या C18 कॉलम या C4 कॉलम होगा। अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि आपका कॉलम जो है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हम कह सकते हैं उसका एक्यूरेसी कैसा है, और या हम कह सकते हैं कि वो गुड परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसका पता कैसे चलेगा। नॉर्मली क्या है, बेस लाइन तो आ जाता है उसके अंदर, बेस लाइन आ जाता है। आप देखते हैं कि आपने सॉल्वेंट रन किया, आपका बेस लाइन आ गया, बेस लाइन के बाद में आप इंजेक्शन के लिए तैयार रहते हैं, परंतु फिर भी कॉलम के अंदर कोई अगर उसका एफिशिएंसी सही नहीं है या उसका एक्यूरेसी अच्छा नहीं है या उसका गुड परफॉर्मेंस है या नहीं है, इसका कैसे मालूम किया जाए, लाइक हम कह सकते हैं उसका कैलिब्रेशन कैसे किया जाए। केवल कॉलम की बात कर रहे हैं तो हम आज बात करेंगे C8 या C18 कॉलम है उसका परफॉर्मेंस अच्छा है या गुड परफॉर्मेंस है या नहीं है, या हम कह सकते हैं वो गुड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में आप बात करेंगे, उसका हम कैसे पता लगाएं। तो आज इसके लिए हम बात कर रहे हैं कि आपके सामने जो एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंट है उस पर ऑलरेडी C8 या C18 कॉलम लगा हुआ है, और इसका हम कैलिब्रेशन करेंगे कॉलम का, कि कॉलम की परफॉर्मेंस देखेंगे इसका परफॉर्मेंस कैसा है, और इसके लिए आपको क्या क्या करना है ये हम बात करेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे कॉलम परफॉर्मेंस चेक करने की। तो सबसे पहले आपको क्या है, दो केमिकल का रिक्वायरमेंट होगा, पहला तो आपका बेंजीन होगा, दूसरा आपका टोलिन होगा। बेंजीन और टोलिन दोनों केमिकल ऐसे हैं जो आपके नॉर्मली लैब में मिल जाते हैं, और हम बात करें एचपीएलसी के कंप्लीट पैरामीटर की, तो इसमें आपको 70% मेथनॉल और 30% वाटर जो आपको मोबाइल फेस रखना है, 1 ml का फ्लोरेट रखना है, और 245 nm आपका यूवी वेवलेंथ को सेट करना है। तीनों पैरामीटर आपको सेट करने हैं 70-30 का रेशियो में मेथनॉल वाटर एज ए मोबाइल फेस। अब आपको क्या करना है, जो बेंजीन है और जो टोल्यून है उनका 0.1 ml, दोनों का 0.1 ml आपको 50 ml मेथनॉल में आपको लेना है नॉर्मली, या आप माइक्रोग्राम में बना सकते हो, 20 μg पर ml का सॉल्यूशन बना लीजिए, या 0.1 ml बेंजीन और टोल्यून का जो सॉल्यूशन है वो 50 ml मेथनॉल में आप प्रिपेयर कर लीजिए। देन उसके बाद में आपको इंजेक्शन देना है, मतलब सैंपल पुटअप करना है और सैंपल को लोड करना है। लोड करने के बाद में जो क्रोमेटोग्राम मिलेगा वो आपको ऐसा मिलेगा। ये क्रोमेटोग्राम में जो फर्स्ट जो पीक दिखाई दे रहा है वो बेंजीन का है, और सेकंड जो पीक दिखाई दे रहा है वो आपका टोल्यून का है। अब बेंजीन पहले एल्यूट आउट होगी, मतलब पहले निकलेगा, और जो टोल्यून है वो बाद में निकलेगा, क्योंकि आपका C18 कॉलम है। C18 कॉलम में क्या है, एल्किल चेन होती है, एल्किल चेन में नॉन पोलर फेस होता है उसका। तो अब टोल्यून में देखा जाए तो CH3 एज एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो अच्छी तरह बाइंड करेगा, लाइक हम कह सकते हैं कि उसके अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्स काम करेगा, जिसके कारण क्या है इसका आरटी लेट आएगा। और बेंजीन है उसे मोर पोलर है टोल्यून की कंपैरिजन में, तो वो जल्दी इल्यूट आउट होगा, या हम कहते जल्दी बाहर निकलेगा, उसका आरटी कम आएगा। तो आप देखेंगे इंडेक्स में, देखिए आप कि आपका जो 10 मिनट पे जो निकला है कंपाउंड वह है बेंजीन, और 15 मिनट पे जो कंपाउंड निकला है वह है टोल्यून, इसका पीक है। अगर आपका ऐसा शार्प पीक आता है, रेजोल्यूशन बेस्ट रेजोल्यूशन आता है, तो आपका कॉलम का परफॉर्मेंस है वो बेस्ट है। और अगर ये आपका ऐसा परफॉर्मेंस आता है, इसका मतलब आप फर्दर इसको एनालिसिस में यूज में ले सकते हैं। अगर इसके अंदर कोई भी अगर इम्प्योरिटीज होती है या आरटी अगर मैच नहीं होता है, आरटी कब मैच होगा, जब आपका 70 और 30 का रेशियो का मोबाइल फेस होगा। अगर आपका मोबाइल फेस का रेशियो चेंज हो जाता है तो यहाँ आरटी भी चेंज हो जाएगा, परंतु पीक शेप और एरिया जो वो है आपका बिल्कुल अच्छा आएगा, सेपरेशन अच्छा आएगा, रेजोल्यूशन अच्छा आएगा। अगर ऐसा आता है तो आपका गुड कॉलम का परफॉर्मेंस गुड परफॉर्मेंस है, और उसको आप फर्दर एनालिसिस के अंदर आप यूज ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कोई कमेंट है आपका तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू, बाय।